नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, रोहतक में ऐसा हॉस्पिटल मिल गया भाई, दांतों का अस्पताल है, जो गरीबों की सहायता निःशुल्क करता, कोई पैसा गरीबों से नहीं लेता और आर्मी पैनल पर है, यानी कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत है दांतों की समस्या को लेकर के। दांतों का अस्पताल रोहतक है, सृष्टि डेंटल क्लिनिक है। जी हाँ, सिल्ला बाईपास से जैसे ही आप दिल्ली बाईपास की तरफ जाएंगे, तो आपको राइट हैंड में आपको ये हॉस्पिटल पुल ख़त्म होते ही दिखाई दे जाएगा। लोकेशन भी हमने आपको बता दी। फिलहाल डॉक्टर सचिन भारद्वाज से भी बातचीत करेंगे, जो लगातार गरीबों की सहायता करते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। सचिन भाई, सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम जी, राम राम आपके तमाम दर्शकों को, मेरी श्री राधे राधे, राम राम। और कैसे सचिन भाई? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे एक बात कह करके आए भाई, बाहर से भी वीडियो हमने लोकेशन भी दिखा दी है, ये कह के आए भाई, रील और रियल में कोई फर्क नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये हमने सुना भाई, गरीबों की सहायता करने वाला अस्पताल रोहतक में मिल गया। बिल्कुल, देखो गरीब तो कोई भी नहीं होता, जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद, ये हमारी मतलब की परिभाषा ये है। तो बिल्कुल करते हैं जी। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी बोला था कि जो भी जरूरतमंद है, सच में जरूरतमंद है, वो ढकोसले ना करे, गाम राम बोल दे कि भाई इसको जरूरत है। पीजीआई वाले, सिविल अस्पताल वाले मना कर देंगे तो भी मैं उसके दांत निकालूंगा, मैं उसके दांतों का काम करूंगा। दांतों की वजह से किसी की आंखों में आंसू हम नहीं आने देंगे, ये पहले भी वादा किया था और आज भी किया था। लेकिन सच में ही मैंने कहा था भाई, सरपंच साहब बता दें या कोई मौजूद आदमी कह दे, नहीं तो कोई भी राह चलता आता जी, हमें भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। हैं, अभी मैं कहूंगा जी मेरे पास तो ये गाड़ी है, हमारे डॉक्टर कहेंगे भाई हमें तो मर्सिडीज की जरूरत है। गांव का मौजूदा सरपंच या सामाजिक व्यक्ति कह दे कि भाई हाँ, सच में जरूरतमंद है तो उसकी सहायता की जाएगी। अच्छा सचिन भाई, ये तो बात हो गई। अभी जो बाकी के जो दांतों से परेशान लोग हैं, काफी बार उनको जगह नहीं मिलती, वो अपने दर्द को, दुख को लेकर के, या काफी बहनें हैं, भाई हैं, उनके टेढ़े मेढ़े दांत उन्हें ठीक करवाने, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती, अच्छे से मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलता, तो अपने पास आधुनिक सुविधाएं हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगा सभी विदेशी मशीन है, विदेशी तकनीक की मशीन है हमारे पास। और बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने आपको दिखाया था कि यदि दांतों की सफाई करते हैं तो एक ही बात जाती है कि कहीं हमारे दांतों की सफाई के बाद केमिकल तो नहीं है, या फिर हमारे दांत हिलने तो नहीं लग जाए। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हवा और पानी के प्रेशर से दांतों की सफाई करते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं, रोहतक में अपॉइंट है हमारे पास। ये शिला बाईपास का जो बस स्टैंड से फ्लाईओवर दिल्ली बाईपास की तरफ उतरता है, खत्म होते ही राइट साइड में है जी, सृष्टि डेंटल क्लिनिक। मोबाइल नंबर है सभी के पास, आप फोन करके आइए और सच में आप आएंगे कि भैया जरूरतमंदों की सच में मदद करते हैं। बाकी डॉक्टर साहब आप बताएंगे। नहीं, हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, जो जरूरतमंद है वो तो आए ही आए, पर जिनकी दांतों की कोई भी रिलेटेड से समस्या है, एक ही छत के नीचे सारे तरीके का काम होता है हमारे पास। आप कभी भी आए, विजिट करें। प्रकार की जो समस्या दांतों से रिलेटेड बताएंगे एक बार? दांत में कीड़ा लग जाता है जी, दांत में गंदगी फंसती है, उसकी वजह से कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। किसी के टेढ़े टेढ़े दांत है, किसी के दांत में दर्द हो रहा है, किसी को लग रहा है कि ठंडा गर्म महसूस होता है मुझे, तो वो हमारे पास आए, हम उसका स्पष्ट और अच्छे तरीके से काफी किफायती इलाज करके दिखाएंगे। चलो भाई, यानी कि अब आपने घबराने की जरूरत नहीं है और ना कहीं जाने की ज्यादा जरूरत है। गुआना में, बेरी में, जज्जर में, रोहतक में, सभी जगह आपने ये आधुनिक जो मशीनें हैं, इन मशीनों के जरिए आपके जो दांतों का जो सफल इलाज है वो अगर भाई किसी भी प्रकार का आपने शिकायत का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप यहाँ की जो विजिट है वो कर सकते हैं। और पानी और प्रेशर से, यानी कि आपके दांतों की सफाई की जाती है, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता। और आर्मी पैनल के ऊपर ये अस्पताल है, आप सुविधा ले सकते हैं। आर्मी वाले जो भाई हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी। सचिन, क्या अपील, क्या संदेश अंत में अपने हॉस्पिटल की तरफ से? देखो, अंत में यही मैं अपील करूंगा। आपने देखा था मेरे लीवर में दिक्कत हो गई थी और मैं मर के ही दोबारा बचा हूं, आपने देखा था जी। मैं कहूंगा कि मैं एक चमत्कारी प्रोडक्ट लेके आने वाला हूं। चमत्कारी क्यों है कि मेरे जो बाल थे, बाल्डनेस हो गई थी, मैं बिल्कुल गंजा हो गया था। आपने मेरी वीडियो उठा के देखना, उसके ऊपर मैं कैप लगाता था। अब आप मेरे बाल देख सकते हो, ये नेचुरल है बिल्कुल। ये देखो, ये नहीं है कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाए हैं। उस नेचुरल, उस चमत्कारी दवा से मुझे फायदा हुआ। तो आप लोगों को भी मैं चाहता हूं, जो जरूरतमंद हैं तो कमेंट में जरूर बताएं क्या मुझे वो दवाई और लोगों तक आपके पास पहुंचानी चाहिए। यदि आप लोग हाँ कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम
आपसे ही मैं फीता कटवाऊंगा और आप ही वो दवाई लेके आना। आपने देखा था मेरी वीडियो पहले भी बनाई थी, मेरे बाल यहाँ से बिल्कुल चले गए थे। और वो न्यूट्रिशन है, कोई दवाई नहीं है। जिस आदमी के लीवर किडनी की दिक्कत होती है वो दवाई नहीं ले सकता। मैं दवाई नहीं ले सकता था, बहुत कम दवाई यूज करनी थी, लेकिन उस चमत्कारी दवाई ने मेरे दोबारा से बाल मेरे ग्रो रीग्रोथ हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मेरे बाल आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोगों की सेवा हो, सेवा दातों में भी कर रहे हैं और उसके भी लिए सेवा कराएंगे। मुझे फायदा हुआ है तो डॉक्टर साहब हम भी चाहते हैं कि लोगों लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो। मैंने आजमाई है और जल्द ही आप उसका फीता काटोगे। आज ऐलान कर दिया है किसी भी हमारी बेबे काटेगी और आप काटोगे फीता, बस आप ही उसका उद्घाटन करोगे। आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। आपने देख लिया है कि देखो, आपने देखा था पहले, मुझे देखा था बिल्कुल बाल उड़ गए थे, थे ही नहीं बाल। चाहे अमित सैनी के पास गया था तब आपने बिल्कुल बाल ही नहीं थे, लेकिन ये चमत्कारी है भाई साहब। वो जल्द ही लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और करनी चाहिए तो हमारी बेबे और यही फीता काटेंगे भाई। बिल्कुल आपको, आप बताओ आपको कैसा लगा रिजल्ट? बिल्कुल आप रिजल्ट कैसा लगा उसको? बहुत गजब का लगा भाई। और देखो मैंने खुद कसम, मैं तो कहूंगा आपको कसम लगे, प्रमोशनल वीडियो नहीं। आपने मेरे पहले देखे थे, दिल से बनाइए ना, तो पहले आपने देखा था मेरे बालों को क्या हाल था। मैं 10 वीडियो आपको 10 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आप मेरे देखना कितना इफेक्ट आया है। तो दोस्तों आप बताओ कि क्या वो मदद औरों की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यदि आप कमेंट में कहोगे तो ये फीता काटेंगे, हमारी बहन फीता काटेगी। बिल्कुल फिलहाल भाई क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गरीब भाई बहन जरूरत जो भाई जिनको जरूरतमंद है जो भाई बहन है वो यहाँ पर भी पहुँचे। और बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी बहन को, वो अपनी समस्या का, देखो भाई आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल जायज़ रेट लगेगा। बाकी जो साथी भाई बहन है उनको भी अब आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सुगिंदर के साथ रोहतक से एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, जो ये पैसे देते हैं ना, जो भी आते हैं, इसका आप ये दिखाओ कि कम से कम 10% से 15% चैरिटी में जाता है, आप लोगों के लिए ही जाता है। ये गरीबों की सेवा मैं अपने घर से नहीं कर रहा हूँ। जो आप यहाँ पे पैसे दे के जाते हो दांत निकलवाने के, मान लो आप चाहे 100 रुपये दे के गए हो, 100 में से आप ये लगाओ 85 रुपये हमारे पास रहते हैं और 15 रुपये की उसमें चैरिटी होती है। मोटी मोटी बात आपको बताती है। ठीक है, चलो फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज।